हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपक रहसा। आज हम मल्टीपल एंगल को सेकंड पार्ट लिए आया छो। फ्रेंड्स में हमें कई इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने ल। हम पहले क्वेश्चन प्रूव कर पड़ने टेन 45 डिग्री प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू से के प्लस टेन ए। हाई हम इस प्रूव कर गई हाई क्वेश्चन हम टेन यहाँ हम पहले एलएचएस लिखो। एलएचएस कती होता है हम टेन 45 डिग्री प्लस ए बाई टू है। इसलिए हम लिखे गुण से सेके प्लस टेन ए में लिया हाई इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी को फॉर्म हम इसलिए टेन ए प्लस बी को फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी हाई। तो हम लोग फॉर्मूला हाई ए और बी को रूपा तोड़ता खेल टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन 45 कति हुन्छ त हाम्रो वन प्लस टेन ए बाई टू जस्ता को त्यस्तै डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन 45 अगेन वन इंटू टेन ए बाई टू जस्ता को त्यस्तै है इज इक्वल टू ल्याउनु पर्ने के हो त सेक र टेन में हम इसलिए साइन बाई कस में तोड़ हाई वन प्लस टेन लाई तोड़ाखे के भैया हम के लिए साइन ए बाई टू बाई कस ए बाई टू हाई। इसी गरी तल पनि वन इंटू टेन ए बाई टू नहीं भयो हैन वन ने मल्टिप्लाई गर्दा फरक पर्दैन वन माइनस यू पनि भइहाल्छ साइन ए बाई टू बाई कस ए बाई टू हाई इज इक्वल टू कति भयो त यहाँ हामी सल्व गर्छौं कस ए बाई टू ले मल्टिप्लाई गरियो भइहाल्छ कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू बाई कति हो त तल कस ए बाई टू डिवाइडेड बाई कति हो त कस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू हाई कस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू अनि सबैको तल कति हो त फेरि यो कस ए बाई टू तलको कस ए बाई टू हाम्रो कट छ है कति बच्यो त हाम्रो यो इज इक्वल टू हाम्रो हुन गयो कति त कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू लेखौँ हामी कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाई कति छ त कस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू है। यसलाई हामी अब रेसनलाइज गरिदिन्छौँ है इन्टू यहाँ माइनस छ भने प्लस साइनले कस ए बाई टू माइनस लाई हामी गरिदिन्छौँ यहाँ प्लस अनि यो साइन ए बाई टू है तल पनि कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू है यहाँ जे साइन हुन्छ त्यसको अपोजिट साइनले हामी गर्छौँ माइनस भने त्यहाँ प्लस इज इक्वल टू कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू होइन दुबईले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भइहाल्छ त कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टूको होल स्क्वायर कस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टूको होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को फॉर्म में के भैया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाई इज इक्वल टू हे हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ता के भैया तो ए स्क्वायर प्लस लिखो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हाई डिवाइडेड बाई है कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के हुन्छ कस टू ए अनि टू ए को ठाउँमा कति ए बाई टू त्यही भइहाल्छ कस टू इन्टू ए बाई टू है इज इक्वल टू कति भयो त कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भनेको वान है प्लस टू साइन ए बाई टू इन्टू कस ए बाई टू के भयो त साइन ए प्लस साइन ए है डिभाइडेड बाई कति भयो टू र टू कट्यो यानि कस ए है यसलाई हामी अलग अलग गर्छौँ भने के भइहाल्छ त इज इक्वल टू वान बाई कस ए प्लस साइन ए बाई कस ए है अलग अलग गरेको एकपल्ट वान को तल कस ए एकपल्ट साइन ए को तल कस ए कति भयो त वान बाई कस ए भनेको सेक ए प्लस साइन बाई कस भनेको टेन ए है यो नै हाम्रो के थियो त आरएचएस प्रुफ है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट लङ आन्सर क्वेसन हो तपाईँ बुझ्न सक्नु यहाँबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है प्रुभ गर्नुपर्ने सेक पाई डिभाइडेड बाई फोर प्लस ए बाई टू इन्टू सेक पाई डिभाइडेड बाई फोर माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू टू सेक ए है हामी यसले चाहिँ लेखौँ है सेक पाई डिभाइडेड बाई फोर प्लस ए बाई टू इन्टू सेक पाई डिभाइडेड बाई फोर माइनस ए बाई टू है त्यस हाम्रो यसले चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो टू सेक ए है इक्वल टू हामी खेलिदिन्छौँ सेकलाई हामी लेखिदिन्छौँ वान बाई कस लेखो वन बाई कस फाइव बाई फोर प्लस ए बाई टू है
इंटू इस वन बाई कस फाइव बाई फोर माइनस ए बाई टू हाई एक हमें वन बाई कस लेख हाई अब वन डिवाइडेड बाई कस ए प्लस बी को फॉर्म में तोड़ो हाई कस ए इंटू कस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू इस तोड़ो वन बाई कस ए इंटू कस बी माइनस वन प्लस साइन ए इंटू साइन बी हाई ये हाई इज इक्वल टू हम सल्व करूँ वन बाई कस पाई रेन बाई फोर कति बता हम कस 45 डिग्री कस 45 बने वन बाई रुट टू हाई इंटू कस ए बाई टू माइनस यहाँ पर वन बाई रुट टू साइन ए बाई टू हाई कस 45 पनि वन बाई रुट टू इंटू वन बाई यहाँ पर वन बाई रुट टू कस ए बाई टू प्लस वन बाई रुट टू साइन ए बाई टू ये भाई। अब हम तल हे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को फर्म में हाई हम लेख वन लेखद तल लेखद वन बाई रुट टू कस ए बाई टू होल स्क्वायर माइनस ये वन बाई रुट टू साइन ए बाई टू को होल स्क्वायर हाई इक्वल टू कति भो तो वन बाई रुट टू को होल स्क्वायर कति वन बाई टू है कस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर ए बाई टू हाई यहाँ लेख रहे हाई इज इक्वल टू कति हो हम वन बाई टू हम कमन लिया वन बाई टू कमन है कति होता कस स्क्वायर ए बाई टू कस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू है वन बाई टू बाई टू माथि गए है टू बाई कस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू कति भाई कस टू ए यानी कि टू इंटू ए बाई टू यानी कि कस ए माथि गए होने कति होने जान इज इक्वल टू टू सेक ए हाई ये भो हम आरएचएस इसी हम कर सकते एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन से यह हम कस पाई रेडियन बाई सेवेन इंटू कस टू पाई रेडियन बाई सेवेन इंटू कस थ्री पाई रेडियन बाई सेवेन हाई इज इक्वल टू वन बाई एट हमें प्रूव करूँ हाई इज इक्वल टू हम के तल र माथि हामी साइन पाई रेडियन बाई सेवेन मल्टिप्लाई गर्नु छ यानी कि वन बाई यहाँ लेख दऊ साइन पाई रेडियन बाई सेवेन हाई अनि माथि पनि हामी गर्दिन्छौ साइन पाई रेडियन बाई सेवेन हाई इंटू कस पाई रेडियन बाई सेवेन हाई टू लगाइदिन्छु है मिलाउनु ल यहाँ पनि टू अनि यहाँ भइहाल्छ कस टू पाई रेडियन बाई सेवेन इंटू कस थ्री पाई रेडियन बाई सेवेन हाई के गरेको हामीले तल र माथि हामीले के गरेका छौँ त टू साइन पाई रेडियन बाई सेवेन ले तल र माथि हामीले मल्टिप्लाई गरेका छौँ है मिलाउनुलाई इज इक्वल टू वन बाई टू साइन पाई रेडियन बाई सेवेन हाई इंटू के भइहाल्छ टू साइन ए इंटू कस बीमा मिलेको हो यो हाई टू साइन ए इंटू कस बी के भइहाल्छ त साइन टू ए साइन टू पाई रेडियन बाई सेवेन इंटू कति हो त कस टू पाई रेडियन बाई सेवेन इंटू कस थ्री पाई रेडियन बाई सेवेन हाई फिर हम क्या इसलिए मिलाओ टू साइन ए इंटू कस ए हाई अभी यहाँ पर टू ले मल्टिप्लाई है माथि टू ले मल्टिप्लाई तरह टू ले मल्टिप्लाई इज इक्वल टू वन बाई फोर साइन पाई रेडियन बाई सेवेन ब्रैकेट में के भैया टू साइन ए इंटू कस ए साइन टू ए साइन टू टू जा फोर पाई रेडियन बाई सेवेन इंटू कस थ्री पाई रेडियन बाई सेवेन इज इक्वल टू वन बाई फोर साइन पाई रेडियन बाई सेवेन ब्रैकेट में साइन फोर पाई रेडियन बाई सेवेन हम के साइन पाई माइनस थ्री पाई बाई सेवेन लेख दिन सकते हाई ये हमें सल्व कर देते कि आँच सेवेन इंटू पाई सेवेन पाई माइनस थ्री पाई फोर पाई बाई सेवेन हाई इसी मिलाने को लगी हमें इसे लेखक इंटू कस थ्री पाई रेडियन बाई सेवेन हाई इज इक्वल टू वन बाई फोर साइन पाई रेडियन बाई सेवेन अभी ब्रैकेट में कति होता है हम साइन ये पाई हो पाई 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के होता है साइन थीटा तो हम यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा को ठाव में थ्री पाई रेडियन बाई सेवेन इंटू कस थ्री पाई रेडियन बाई सेवेन अब टू साइन इंटू कस में मिले भाई यहाँ टू मिलाउन को लगी रख दी यहाँ पर टू ले मल्टिप्लाई तल र माथि टू ले इज इक्वल टू के भेज हम लोग वन बाई
8 sin pi radian by 7 हाई into 2 sin into cos sin 2a हाई यानी कि 3 to 6 pi radian by 6 sin 6 pi radian by 7 हाई is equal to कती बता हम लोग अब 6 pi radian by 7 लाया में की गर्षते sin pi radian minus pi radian by 7 लेग दिने सक्छो हाई अनि तला 8 sin pi radian by 7 रही रहां चाहिए माथी मिलावनों को लागी लेखे को 6 लाया में की गर्षो pi radian minus pi radian by 7 7 into pi 7 pi minus एउटा pi 6 pi by 7 मिली हाल्छ है अब हामी के गर्छौ त ए बोथ यु sin pi radian by 7 divided by 8 sin pi radian by 7 pi radian by sin pi radian by 7 बाट sin pi radian by 7 कट्यो है कति बच्यो त 1 by 8 यो नि हाम्रो कति थियो त RHS है यसरी हामी गर्न सक्छौ प्र्याक्टिस गरेपछि हाम्रो सजिलो हुन जान्छ इसी अर्क हम क्वेश्चन रहेको छ है प्रूफ दैट साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 है हम इसमें के गर्छु त थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री मान लिन्छु है लेट गर दिन्छु लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है देन 5 थीटा इज इक्वल टू कति हुन जान्छ त्यसले पनि 5 ले मल्टिप्लाई है अनि कति हुन जान्छ त 90 डिग्री अनि 5 थीटा ले हामी के गर्दिन्छु त 2 थीटा प्लस 3 theta is equal to 90 degree है यानी कि 2 theta is equal to कति हो त 90 degree minus 3 theta यति हामीले बुझेको है theta ले हामीले 18 degree मान दिएका छौ किनभने sin 18 निकाल्नु छ है हामीले theta मानेर बनाउँछौ अनि 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो पनि 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 90 degree भयो अनि 5 theta ले हामी 2 theta plus 3 theta लेखेका छौ हैन is equal to 90 degree 2 theta is equal to 90 degree 3 theta उता गयो भने minus 3 theta है अब दुबैतिर हामी के गर्छौ sin लगाउँछौ भने sin 18 degree निकाल्नु पर्ने है taking sine on both sides hai dubai tira ami sine linchu bhaneki bhayathyo sine 2 theta is equal to sine 90 degree minus 3 theta hai eta ke bhata sine 2 theta is equal to sine 90 minus theta cos theta hai bhai sine theta ko formula khojhu ta 2 sine theta into cos theta is equal to cos 3 theta ko formula 4 cos cube theta minus 3 cos theta hai kati ho thiyo 2 sin theta into cos theta is equal to dubai ma ami cos theta ko ma lial chu kati ho ta 4 cos square theta minus 3 hai hamile cos theta ko ma lieka chu yesko aur ho dubai tira hera ta euta cos theta bata e cos theta kati ho eta kati bachyo ta 2 sin theta है इज इक्वल टू यता कति हो त 4 अनि हेरौ हामीलाई अब cos लाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो sin मा हैन किनभने sin 18 डिग्री निकाल्नु छ अनि यसै हामी के गर्छौ त cos स्क्वायर थीटा हामीले लिन्छौ 1 minus sin स्क्वायर थीटा minus 3 रही रहन्छ है cos स्क्वायर थीटा को ठाउँमा 1 minus sin स्क्वायर थीटा अगाडि पोरिया छदै छ 4 2 sin थीटा इज इक्वल टू कति हो त 4 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 कति हो त 4 sin square theta minus 3 जस्ता को जस्ते हैं और 2 sin theta is equal to कती बोलते हो 4 बाट 3 गए बने 1 है 1 minus 4 sin square theta और तो पहले हम ये ता गए बने minus 4 sin square theta ये ता है बने plus 4 sin square theta plus 2 sin theta है 1 लेता है उन्हें minus 1 is equal to 0 है यो हम लोग quadratic equation में गए हैं ना तो हमें quadratic equation में लगते हैं अन्य क्या होना चाहिए हो यहाँ लेकिन हमें वही चीज quadratic which is quadratic है sin theta quadratic equation में हमें लेते इसको root निकालने formula क्या होता है x is equal to क्या minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a है ये फॉर्मूला मैंने पढ़ सकता हूँ क्वालिटी इक्वेशन को है ना यहाँ x को ठहरने का त्यों था sin थीटा है ये sin थीटा हो है अनि वो a वो b अनि ये कांस्टेंट बने को c हम मैंने पढ़ सकता हूँ है अब ऐसे मैं पुट कर चुका हूँ sin थीटा है इक्वल टू कति बार जाता माइनस b है माइनस b बना ले यहाँ b को ठहरने का त्यों 2 अनि ये माइनस 2 प्लस माइनस है रूट अंडर b स्क्वायर बने को 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 लिख दीजिए माइनस 4ac है 4ac 4 a बने को 4 c बने को माइनस 1 है सब पहले यहाँ लिख दियो भाई 4
a into c है 4ac भो नी divided by 2a है ना 2 into a को ठामा करती होती है 4 है ये भो sin theta को वैल्यू अब ऐसे हम सॉल्व कर चुके हैं इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस है ना माइनस माइनस प्लस है 4 को दर 16 by 8 इज इक्वल टू कती बता माइनस टू प्लस माइनस है यो 16 ने 4 कती बता हमरो रूट अंडर 20 रूट 20 लामी के लिए तो रूट अंडर 4 इनटू 5 है ना 4 को रूट करते हैं 2 अने कती बता 2 रूट 5 तो रूट 20 लामी के कर सकता 2 रूट 5 लेग दें चुके तो यहाँ मैं डायरेक्ट लेग दिया चुके 2 रूट 5 भाई डिवाइडेड बाय 8 और 2 कॉमन चा 2 कॉमन लिया लो हमें कती बच्चू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाय 8 है अब 2 4 जा 8 ले काटियो कती बता माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाय 4 अब यहाँ कैसा प्लस र माइनस दुईटा हामी लिन्छौ हैन दुईटा लिदाखेरि यसको दुईटा भ्यालु आउने हुन्छ तर साइन थीटा के हुन्छ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ हैन फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पढ्ने हो जहिले पनि यसको पोजिटिभ भ्यालु हामी लिन्छौ त्यही भएर टेक्निक पोजिटिभ हामी मात्र गर्छौ है यहाँ गर्छु सिन्स साइन थीटा इज एक्युट हैन एक्युट हो साइन थीटा क्यान ओन्ली बी पोजिटिभ है पोजिटिव मात्रा हामी लिन्छौ है त्यही भने फर्स्ट क्वाड्रन्ट त्यही भएर हाम्रो यो के हुने जान्छ त साइन थीटा इज इक्वल टु मात्र पोजिटिभ लिने है यानि कि रुट अंडर 5 माइनस 1 बाइ 4 है यसरी हामीले प्लस मात्र लिएका छौ त्यही भएर रुट 5 के भयो त हाम्रो प्लसमा है यहाँ हामीले लेख्यौ है द्याट इज है त्यसको साइन थीटा भनेको कति मानेका थियौ हामीले 18 डिग्री साइन 18 डिग्री इज इक्वल टु कति भयो त रुट 5 माइनस 1 बाइ 4 है यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि है त्यसरी अर्को हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है इफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टु 1 बाई 2 फाइन्ड द भ्याल्युज अफ साइन 15 डिग्री एन्ड टेन 15 डिग्री है यसमा हामीले साइन 30 दिएको छ अनि साइन 30 को सहायताबाट हामीलाई साइन 15 र टेन 15 निकाल्नु छ है यसको लागि हामी के गर्छौँ त सबभन्दा पहिला हामी यहाँ लेखौँ हियर है हामीले दिएको कति छ त साइन 30 डिग्री इज इक्वल टु 1 बाई 2 हामीलाई दिएको छ है अनि साइन 30 को सहायताबाट हामी कस 30 निकाल्छौँ है अनि कस 30 डिग्री निकाल्दाखेरि के भएछ त रुट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है कस थीटा भनेको के हुन्छ त रुट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालौँ हामी रुट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 बाई 2 को स्क्वायर है यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ त रुट अंडर 1 माइनस 1 बाई 4 सल्भ गर्दा 4 इन्टु 1 4 माइनस 1 3 3 बाई 4 है रुटमा रुटभन्दा बाहिर गऱ्यो भने रुट 3 बाई 4 बाहिर आएर कति भयो त 2 यो हाम्रो के को भ्यालु भयो त कस 30 डिग्रीको नाउ फर्मुला के हुन्छ त 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टु 1 माइनस कस 30 डिग्री है यो फर्मुला कसरी लगाएको यो वाला फर्मुला छ नि हाम्रो 2 साइन स्क्वायर थिटा इज इक्वल टु 1 माइनस कस 2 थिटा है यहाँ 2 थिटा त यहाँ थिटा है एङ्गल यहाँ के भयो त हाफ त्यही भएर यहाँ हामीले 30 डिग्री लिएका छौँ भने यहाँ 30 को हाफ 30 बाई 2 और कति हुन जान्छ यो 2 साइन स्क्वायर 30 बाई 2 कति भयो 15 डिग्री इज इक्वल टु 1 माइनस कस 30 कति आएको हाम्रो रुट 3 बाई 2 है इज इक्वल टु कति आउँछ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 माइनस रुट 3 बाई 2 और हामी के लेख्न सक्छौँ यो 2 अब के भयो तल जान्छ यानि कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टु कति भयो त 2 माइनस रुट 3 बाई 2 टू जा 4 है यो 2 यहाँ गयो है तल मल्टिप्लाई गरेर 2 टू जा 4 लेखिदिएँ मैले है और के भयो थियो साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टु के भयो त हामी यसलाई तल र माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ है अनि कति बन्न जान्छ यो 2 यहाँ छ 2 टू जा 4 माइनस 2 रुट 3 बाई 8 है इज इक्वल टु यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ मिलाएर लेख्छौँ यसलाई हामी है 4लाई हामी के लेख्छौँ त 3 प्लस 1 है अनि कि 3 माइनस 2 रुट 3 प्लस 1 बाई 8 यसरी लेख्न सक्छौँ हामी यसलाई किन यस्तो लेखेको हेरौँ हामी 3लाई हामी लेखिदिन्छौँ रुट अन्डर 3 को स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर है यसरी लेख्न सक्छौँ डिभाइड बाई अब 8लाई पनि हामी के गर्छौँ 2 रुट 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ है 2 रुट 2 को होल स्क्वायर गर्दा कति आउँछ त हाम्रो 8 आउँछ है इज इक्वल टु कति भयो त्यसलाई ए स्क्वायर माइनस 2 एबी प्लस बी स्क्वायर कति भयो त ए माइनस बी को होल स्क्वायर तल कति छ त 2 रुट 3 को होल स्क्वायर है और यहाँ कतिको भ्यालु छ यो साइन स्क्वायर 15 डिग्रीको है
दुबई तीर हमें स्क्वायरिंग कर दी है यहाँ पर स्क्वायर अंड डायरेक्ट हमें साइन 50 निकाले जान रुट हट ये स्क्वायर हट यानी कि रुट 3 माइनस 1 बाई 2 रुट 2 हई। अब के होता प्लस माइनस दुबई लिख सकता तर साइन 50 जैसे पोजिटिव होता हाई साइन 50 हम निस्क्यो रुट 3 माइनस 1 बाई 2 रुट 2। अब निकाल्नु पर्ने टेन को हाई तो अल्सो अब टेन स्क्वायर 50 डिग्री हमें के लिख सकता तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 कस स्क्वायर 30 डिग्री हाई इसी लिखा सकता 2 2 कट नगर है अभी के होता साइन बाई कस कर टेन आईहाल हाई हमें के कर इस 2 साइन स्क्वायर 30 हमें के लिखी हाल्छ 1 माइनस कस 30 डिग्री बाई 1 प्लस कस 30 डिग्री हाई ये फर्मुला हम लोग हाई कस 2 अनुसार हमें लेखे हाई इज इक्वल टू 1 माइनस कस 30 हमें निकाली सकता छो कति हम लोग रुट 3 बाई 2 हाई डिवाइडेड बाई तल 1 प्लस रुट 3 बाई 2 हाई। अब हम इस सल्व कर इज इक्वल टू कति होना जाना ये 2 ले मल्टिप्लाई कर 2 माइनस रुट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रुट 3 बाई 2 है 2 बाई 2 कट्यो कति बचो तो 2 माइनस रुट 3 बाई 2 प्लस रुट 3 इंटू हमें के सैनलाइज कर दी यहाँ प्लस अभी माइनस ले 2 माइनस रुट 3 बाई 2 माइनस रुट 3 हमें के तलमा मल्टिप्लाई कर सैनलाइज करना इज इक्वल टू के 2 माइनस रुट 3 2 माइनस रुट 3 के 2 माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कति भो तो हम इज इक्वल टू कति भो तो 2 माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर रही रहता है हाई डिवाइडेड बाई 2 को स्क्वायर 4 माइनस रुट 3 को स्क्वायर 3 कति आ 2 माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर बाई के बचेन 1 हाई यहाँ कति थी तो हम टेन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू कति आता 2 माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर तल 1 लेख्नु परेन यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर बट स्क्वायर काट्दाखेरि कति आता हम टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रुट 3 हाई हम लोग के बोलता आंसर यहाँ पर टेन 15 जैसे पोजिटिव ते भर हमें पोजिटिव भैल्यू मात्र लिखा छो ये हमारे एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाई त्यसैगरी अर्को हमारे एउटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेको छ हाई 1 प्लस कस पाई रिडेन बाई 8 इंटू 1 प्लस कस 3 पाई रिडेन बाई 8 इंटू 1 प्लस कस 5 पाई रिडेन बाई 8 इंटू 1 प्लस कस 7 पाई रिडेन बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8 हमें प्रूव कर पहले यहाँ सोल्यूसन लेख सोल्यूसन में सब भाग पहले हम एलएचएस एलएचएस कति होता हम 1 प्लस कस पाई रिडेन बाई 8 हाई इंटू 1 प्लस कस 3 पाई रेडियन बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई रेडियन बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई रेडियन बाई 8 है ये हम लोग एलएचएस अब सॉल्व कर भाई 1 प्लस कॉस 5 रेडियन बाई 8 जस्ता को तस्ते रख दी हाई 1 प्लस कॉस 3 पाई रेडियन बाई 8 हमें जस्ता को तस्ते रख दी अभी इसलिए हमें 1 प्लस कस हाई 3 पाई रेडियन बाई 8 हमें के पाई माइनस 3 पाई रेडियन बाई 8 लेखन सकता यहाँ पर पाई रेडियन इसी लेखन सकता हाई इसी लिखा के होता 8 इंटू पाई मल्टिप्लाई कर 8 पाई माइनस 3 पाई माथि 5 पाई तल 8 है इसलिए हम यो लेखन सकता हाई इसलिए लेख 1 प्लस कस 7 लिया हाई पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन बाई 8 हमें कर हम लोग 7 पाई रेडियन बाई 8 आँच हाई 8 इंटू पाई गये 8 पाई माइनस एवटा पाई 7 पाई बाई 8 इसी हमें मिलाने को लगी लिख इज इक्वल टू 1 प्लस कस पाई रेडियन बाई 8 इंटू 1 प्लस कस 3 पाई रेडियन बाई 8 इंटू 1 अब हे कस पाई रेडियन माइनस थीटा यानी कि पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री कस 180 डिग्री माइनस थीटा के हुन्छ माइनस कस थीटा माइनस कस थीटा को ठाव में 3 पाई रेडियन बाई 8 हाई जे रेस में 1 है कस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कस थीटा तो माइनस कस पाई रेडियन बाई 8 हाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 है अभी बी स्क्वायर कस स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8 हाई तेरे इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कस स्क्वायर 3 3 पाई रेडियन बाई कति बोता हम यो 8 हाई इज इक्वल टू 1 माइनस कस स्क्वायर के होता है साइन स्क्वायर
हम यहाँ लेख साइन स्क्वायर ए को ठाव में ए को ठाव में पाई रिवेन बाई एट इंटू कती होता हम लोग साइन स्क्वायर कती बोलते हो थ्री पाई रिवेन बाई एट है वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लिखे कोई अब हम किलो मिलाने का लगी है इसको पनी अगारी दुई इसको पनी अगारी दुई यहाँ हम टू रख अनि यहाँ पनि टू है इसलिए हम ब्रैकेट में सरी गर्दै छु है टू इंटू टू ले मल्टिप्लाई गरेको भने टू इंटू टू यानी कि फोर ले डिवाइड पनि गर्नुपर्छ हामीले है इज इक्वल टू वन बाई फोर रहिरहन्छ टू साइन स्क्वायर हम लोग के हुन जान्छ त यहाँ ब्रैकेट में लेखिरहेको छु वन माइनस कस टू एक फर्मुला में है टू इंटू फाइव रिडियन बाई एट भयो है त्यसै गरी यसलाई पनि वन माइनस कस टू पाई पाई भनेको थ्री टू फाइव रिडियन बाई एट है यसरी हामी गर्न सक्छौँ कहाँबाट आयो कस टू ए को फर्मुलाबाट है कस टू ए को फर्मुला हामीले के थियो त साइनमा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए है अनि टू साइन स्क्वायरले त ल्यायो भने टू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कस टू ए उता गयो भने माइनस कस टू है यानि कि यहाँको एङ्गल के हुन्छ यो हाफ त्यही भएर हामी टू साइन स्क्वायर एको ठाउँमा के गर्छौँ त वन माइनस कस टू ए गरिदिन्छु है एङ्गलमा टूले मल्टिप्लाई पाई रिडियन बाई एटबाट टू पाई रिडियन बाई एट यहाँ थ्री पाई रिडियन बाई एटबाट टू इन्टू थ्री पाई रिडियन बाई एट इज इक्वल टू वन बाई फोर ब्राकेटमा वन माइनस होइन यो टू टू छ टूले काट्यो भने फोर है कस पाई रिडियन बाई फोर त्यसै गरी यसलाई लेख्यो भने वन माइनस यो पनि टूले गर्दाखेरि फोर कति भयो त कस थ्री पाई रिडियन बाई फोर है इक्वल टू के हुन्छ त वन बाई फोर जस्ताको त्यस्तै है वन माइनस कस पाई रिडियन भनेको एक सौ अस्सी डिग्री बाई फोर गऱ्यो भने फोर्टी फाइभ डिग्री कस फोर्टी फाइभ डिग्रीको भ्याल्यु कति हुन्छ त वन बाई रुट टू त्यसरी वन माइनस वन बाई रुट टू लेखिदिन्छु टू वन माइनस है यहाँ पनि के हो त कस थ्री पाई रिडियन बाई फोर पाई रिडियन बाई फोर भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री अनि यहाँ थ्रीले मल्टिप्लाई हुन्छ यानि कि फोर्टी फाइभ डिग्री इन्टू थ्री एक सौ पैँतिस डिग्री कस एक सौ पैँतिस कति हुन्छ त माइनस वन बाई रुट टू अनि यहाँ माइनस छँदैछ त माइनस माइनस प्लस वन बाई रुट टू है त्यही अगाडि हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ भने इज इक्वल टू कति आउँछ वन बाई फोर जस्ताको त्यस्तै है अनि यसलाई ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बीमा तोड्छौँ भने कति भइहाल्छ त्यो हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यसरी तोड्छौँ हामी इज इक्वल टू वन बाई फोर ब्राकेटमा वानको स्क्वायर वान माइनस वान बाई रुट टूको स्क्वायर कति भयो वान बाई टू टू कति भयो वान बाई फोर इन्टु वानबाट वान बाई टू गयो भने कति भयो वान बाई टू वान बाई फोर इन्टु वान बाई टू कति भयो त वान बाई ए यो नै हाम्रो के भयो त आरएचएस है एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि है हाम्रो आजको लास्ट क्वेसन रहेको छ फोर साइन थिटा इन्टु साइन थिटा प्लस पाई रिडियन बाई थ्री इन्टु साइन थिटा प्लस टू पाई रिडियन बाई थ्री इज इक्वल टू साइन थ्री थिटा है पहिला हामी एलएचएस लेखौँ कति हो त फोर साइन थिटा इन्टु साइन थिटा प्लस पाई रिडियन बाई थ्री इन्टु साइन थिटा प्लस टू पाई रेडियन बाई थ्री है यो भयो हाम्रो एलएचएस इज इक्वल टू फोर साइन थिटा जस्ताको त्यस्तै यसलाई हामी के गर्छौँ त साइन ए प्लस बीमा तोड्छौँ कति हुन्छ त साइन ए इन्टु कस बी है प्लस कस ए इन्टु साइन बी है ए प्लस बीमा हामीले तोडेका छौँ त्यसै गरी यसलाई पनि तोड्यौँ साइन ए प्लस बीमा है साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन बी है यति छ हाम्रो एलएचएस इक्वल टू फोर साइन थिटा ब्राकेटमा है साइन थिटा इन्टु कस पाई रिडियन बाई थ्री पाई रिडियन भनेको एक सौ अस्सी डिग्री एक सौ अस्सी बाई थ्री गऱ्यो भने सिक्सटी डिग्री है अनि कस सिक्सटी कति हुन्छ वान बाई टू साइन थिटा रहिरहन्छ प्लस कति आयो त यो पनि साइन थिटा बाई साइन पाई रिडियन बाई थ्री भनेको कति आयो त यो पनि साइन सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी कति हुन्छ रुट थ्री बाई टू इन्टु कस थिटा रहिरहन्छ है त्यसै गरी यसलाई पनि तोड्छौँ कस टू पाई रिडियन बाई थ्री है कस पाई रिडियन बाई थ्री कति हुन्छ त हाम्रो सिक्सटी डिग्री अनि माथि टू छ कति भयो त एक सौ बिस डिग्री कस एक सौ बिस कति हुन्छ त हाम्रो माइनस माइनस वान बाई टू अनि साइन थिटा प्लस है यहाँको साइन टू पाई रिडियन बाई थ्री यानि यो पनि साइन एक सौ बिस डिग्री साइन एक सौ बिस कति हुन्छ त रुट थ्री बाई टू रुट थ्री बाई टू कस थिटा है यो दिन्छौँ इज इक्वल टू फोर साइन थिटा जस्ताको त्यस्तै है यो कति भयो त यहाँ हामी हेरौँ है यहाँ छ ए प्लस बी यहाँ छ ए माइनस बी है रुट थ्री बाई टू कस थिटा
प्लस में यहाँ पर रूट थ्री बाई टू कोस थीटा प्लस में यहाँ माइनस में वन बाई टू साइन थीटा यहाँ प्लस में वन बाई टू साइन थीटा हाई ए माइनस बी ए प्लस बी कति पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री बाई टू कोस थीटा को होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू साइन थीटा को होल स्क्वायर हाई इसी हम तोड़ इक्वल टू फोर साइन थीटा रही रह कति भो रूट थ्री बाई टू को होल स्क्वायर कति भो थ्री बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा माइनस कति भो तो वन बाय फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कति फोर साइन थीटा तर दुबई को तला फोर कमर लिख सकते फोर में कमर लिख बाहर तान दी कति बच्चे तो थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाई फोर बटे फोर कटो कति बच्चे हम लोग साइन थीटा है ब्रैकेट में डालू पड़ने साइन में है कस ने हम साइन में तोड़ थ्री है ब्रैकेट में कस स्क्वायर थीटा बने को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जस्ता को तस्ते इक्वल टू कति भो तो साइन थीटा हाई ब्रैकेट में थ्री ले मल्टिप्लाई करने थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कति भो तो साइन थीटा रही रह ब्रैकेट में थ्री थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कति माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा हाई यहाँ लिख दी हाई इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टिप्लाई करो हाई थ्री साइन थीटा माइनस कति होता फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कति होता फोर साइन क्यूब थीटा हाई थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा के फर्मुला साइन थ्री थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा यह नहीं हम लोग के आरएचएस हाई इसी हमी कर सकता।